नमस्कार, स्वागत है आपका पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन को आगे बढ़ाते हुए मेजरमेंट पर है। और मेजरमेंट की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर्स देखने को मिलते हैं। तो हम जरूर उसकी भी बात यहाँ इस लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एरर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं बात करूँ तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। उस टॉपिक को हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम आप यही करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, बात करेंगे हम आज के लेक्चर में मेजरमेंट की। मेजरमेंट में कल मैंने आपको कुछ सिस्टम्स पढ़ाए थे। ठीक है, मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो आपको वो सिस्टम्स पता होने चाहिए। कल मैंने कुछ सिस्टम आपको बताए थे, जैसे हमने सीजीएस सिस्टम की बात करी थी, एफईएस सिस्टम की बात करी थी, एमकेएस सिस्टम की बात करी थी। वहां पर मैंने कहा था कि एमकेएस में आप मापेंगे क्या, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड में। सीजीएस में किस में देखेंगे, सीजीएस में देखते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एफईएस में देखते हैं फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, लेकिन इन सबसे परे एक यूनिट चलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को हमें बेसिकली माइंड में रखना है, आपको बाकी और कुछ दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, मेन क्या है, हमें पढ़ना क्या है कि एसआई यूनिट हमें पता होनी चाहिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो यहां पर हम मेजरमेंट जानेंगे। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं, उनको हम स्केल में छोटे लेवल पर भी देखेंगे और बड़े लेवल पर भी देखेंगे। ठीक है, मतलब हम उसको स्मॉल क्वांटिटी के टर्म में भी देखेंगे और लार्ज क्वांटिटी के टर्म में भी उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस चौक की लेंथ नापनी है तो मैं एक मीटर स्केल तो लाऊंगा नहीं। ठीक है, या फिर मैं लाइट ईयर से तो इसको नापूंगा नहीं। मुझे अगर इसकी लेंथ नापनी है तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा स्केल ले लूंगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल, और इसकी लेंथ नाप लूंगा। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नापनी है, मुझे यहाँ पे अगर रास्ते की डिस्टेंस नापनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी नापनी है, ठीक है, तो वो दूरी नापने के लिए मैं क्या स्केल का यूज करूंगा, नहीं। उसके लिए हम किसी और युक्ति का, किसी और यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मुझे यहां से चंद्रमा तक की दूरी नापनी है तो मैं स्केल का यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे कोई ना कोई और युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक दूरी को, हर एक राशि को नापने के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी राशि को नापने के लिए अलग अलग यूनिट, अलग अलग इकाई तैयार की गई है, उसी को हम मेजरमेंट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें लेंथ के मेजरमेंट की, ठीक है, तो लेंथ की जो यूनिट होती है, कल मैंने आपको बताया था कि लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, और लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होगी मीटर, वो भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए, मीटर तो हो गया क्या, एक एसआई यूनिट हो गई। अब इस एसआई यूनिट में छोटी दूरियां भी हो सकती है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, डेसीमीटर है, या फिर नैनोमीटर है, तो ये दूरियां भी हो सकती हैं। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं 1 फर्मीमीटर, जो कि इक्वल होता है 10^-15 मीटर के। ठीक है, 1 फर्मीमीटर जो है लेंथ, वो डिस्टेंस किसकी है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1 फर्मीमीटर लेवल की होती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी इकाई है लेंथ की। ठीक है, डिस्टेंस की बहुत छोटी ये इकाई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 पिकोमीटर, जो कि होता है 10^-12 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10^-9 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10^-9 मीटर। उसके बाद और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, जो कि होता है 10^-6 मीटर के इक्वल। इसके बाद हम लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर, जो कि होता है 10^-3 मीटर के इक्वल। एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 10^-2 मीटर के इक्वल होता है।
उसके बाद आता है 1 मीटर। इसके आगे अगर हम बड़ी दूरियों पे बढ़े, ये तो क्या हो गई स्मॉल लेंथ है, ठीक है, छोटी छोटी लेंथ है, ये स्केल मैंने जो लिया है वो छोटा स्केल लिया है। अगर मुझे आगे बढ़ना है लेंथ के स्केल में तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, 1 किलोमीटर 10^3 मीटर के इक्वल होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ में और जो लंबी दूरियां हैं उनको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो किलोमीटर के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप और लिख सकते हैं जो कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ जाते हैं, ठीक है। जिस जैसे हमें यहाँ से और हमें अगर किसी दूसरे ग्रह की दूरी नापनी है तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, लाइट ईयर का, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर, ठीक, 1 लाइट ईयर जो होता है उसको अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये होता है लगभग 9.461 × 10^15 मीटर, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़े लेंथ में तो आप देख सकते हैं एक पारसेक, ठीक है, एक पारसेक जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.086 × 10^16 मीटर, ठीक है। तो ये जो है वो एक लाइट ईयर से भी ज्यादा है। लाइट ईयर जो होता है वो दूरी का एक क्या है, मात्रक है, लेंथ की एक यूनिट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइट के द्वारा यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, लाइट ईयर, लाइट के द्वारा 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। 9.416 × 10^15 मीटर इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट हमने लेंथ का देख लिया, तो लेंथ का मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहां के बाद लेंथ के बाद हम जो आते हैं, अब बात करेंगे हम एक्यूरेसी, अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइजन क्या होता है, ठीक है। प्रिसाइजन और एक्यूरेसी ये दो चीजें क्या होती हैं, इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन अगर सीधी सीधी बात की जाए, एक्यूरेसी वो मान होता है जो हमें ये बताता है कि मेजर की गई वैल्यू रियल वैल्यू के कितने पास है, ठीक है, वो क्या होती है, एक्यूरेसी। तो नोट कर लीजिए इसको, एक्यूरेसी क्या होती है, मेजर की गई वैल्यू रियल वैल्यू के कितने निकट है, कितने पास है, वो हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है। इसके साथ में अगर हम प्रिसाइजन की बात करें तो प्रिसाइजन क्या होता है, प्रिसाइजन की अगर हम बात करें तो प्रिसाइजन होता है कि ये जो वैल्यू है वो कितने रिजोल्यूशन तक मेजर की गई है, ठीक है, कितने रिजोल्यूशन तक मेजर की गई है, तो वो उसका क्या होता है, प्रिसाइजन होता है। तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी किस तरीके से चेक करते हैं ये हम देखेंगे और उसमें क्या क्या एरर्स आते हैं ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। एरर इन मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में कितने टाइप के एरर हो सकते हैं इसको अगर हम डिस्कस करें, तो जब भी हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसमें मेनली 2 एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो एरर उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है सिमेट्रिक एरर और दूसरा उसमें होता है रैंडम एरर, ठीक है। तो दोनों एरर मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा जो एरर आता है इसमें वो आता है रैंडम, ठीक है। जो सिमेट्रिक एरर होते हैं वो अलग अलग स्रोत से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है या फिर किसी भी प्रयोग को करने में पूर्ण रूप से अगर कोई सक्षम नहीं है तब भी हमें क्या इस तरीके के सिमेट्रिक एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही पर्सनल एरर होते हैं, उसमें प्रायोगिक कुछ उसमें त्रुटियां होती हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो एरर है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के ये एरर देखने को मिलते हैं।
इसके साथ में अगर हम रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर जो होते हैं उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं लग पाती है। ये हो सकता है कि जो हमारे जिस कमरे में हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ का प्रेशर अलग हो, वहाँ का टेम्परेचर अलग हो, तो प्रेशर टेम्परेचर या फिर जो ह्यूमिडिटी है उस पर ये उसके कारण ये एरर बेसिकली जनरेट हो जाता है। तो इसके बारे में हम कोई भी सटीक जानकारी नहीं लगा पाते कि ये जो रैंडम एरर है वो कहाँ से आया, जबकि सिमेट्रिक एरर के बारे में हम जानकारी लगा सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई जीरो एरर हो तो वो भी गलत वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के एरर होते हैं बेसिकली, सिमेट्रिक और रैंडम। सिमेट्रिक एरर और रैंडम एरर, इनको आप नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, और इसी के साथ में एब्सोल्यूट एरर के साथ में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अगर हमें रियल वैल्यू पता है कि इतना आना चाहिए, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं तो बार बार हमारी वैल्यू जो है वो अलग निकल के आ रही है। जैसे मेरे को पता है कि इस चौक की जो लेंथ है वो लगभग 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, सपोज हम मान लेते हैं, ठीक है, इस चौक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं मेजर कर रहा हूँ तो कभी 3.9 आ रही है, कभी 3.8 आ रही है, कभी 4.1 आ रही है, तो इस तरीके के कुछ एरर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है रियल वैल्यू, ठीक है, रियल एग्जैक्ट वैल्यू एंड जो हम मेजर कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट और रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो यहां पे एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगा, जैसे हमारे पास क्या है कि रियल वैल्यू ए है, सपोज हम मान लेते हैं कि रियल वैल्यू कितनी है किसी भी मेजरमेंट की, ए है, ठीक है, और हमने जब उसको मेजर किया तो वो A1 निकल के आया, तो इसकी जो एब्सोल्यूट एरर उसमें होगा वो कितना होगा, डेल A1 इज इक्वल टू A-A1। इसी तरीके से दूसरी बार मैंने मेजर किया तो कितना, A-A2, तो ये डेल A2 निकल के आ गया। फिर तीसरी बार मैंने मेजर किया तो ये कितना निकल के आया, A-A3, तो डेल A3 निकल के आया। इसी तरीके से n टाइम मैंने मेजर किया तो डेल AN की वैल्यू कितनी निकल के आई, A-AN किया तो मेरे को कितना मिल गया, डेल AN। तो ये जो है एब्सोल्यूट एरर्स है, क्या ये एब्सोल्यूट एरर्स। इसी का अगर मुझे मीन निकालना है, मैंने क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर मुझे इसी की मीन वैल्यू निकालनी है तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी चीज का अगर हमें मीन फाइंड करना होता है तो टोटल हमने कितनी बार उसको मेजर किया है उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितनी बार हमने टोटल इसको मेजर किया है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो हमने सपोज यहां पे हमने क्या लिया, डेल A1, डेल A2, डेल A3, ये हमने n टाइम मेजर कर लिया, तो यहां पे मीन जो वैल्यू होगी ये यहां पे हम लिख देते हैं क्या, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल A बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1, ठीक है, मॉड ऑफ डेल A1, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल AN अपॉन N। तो यहां पर मैंने मॉड लगाया है, आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने मॉड लगाया है। क्यों लगाया है मॉड, क्योंकि ये जो मॉड है ये हमें मैग्नीट्यूड देता है, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, इस चौक की लेंथ 4 है और अगर 4.1 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.1, लेकिन आपको वो वैल्यू माइनस नहीं लेनी है, आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है 0.1, तो आपको यूज क्या करना है, 0.1 यूज करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मॉड का यूज किया गया है, मॉडुलस का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो वो होता है मॉड डेल A बार इज इक्वल टू
मॉड ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल ए एन अपॉन एन। तो ये वैल्यू होती है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये तरीका है। इसी के साथ में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम परसेंटेज एरर निकालना सीखेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव फ्रैक्शन। तो रिलेटिव फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आया है वो निकल के आया है डेल ए, तो इसका जो रियल वैल्यू है उसके साथ में कितना रेशियो है, उसके साथ में कितना फ्रैक्शन है, उसका कितना भाग है ये, तो वो क्या होता है, रिलेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, रिलेटिव फ्रैक्शन। अब इसी में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, आपसे अगर कोई पूछे तो परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये रिलेटिव फ्रैक्शन निकल के आया है इसी को आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिलेटिव फ्रैक्शन है उसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करा दी जाए तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर मिल जाता है, ओके। ये बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा एक तरीका है, एक डेफिनेशन और एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। उससे पहले इस एरर में अगर कोई भी आपको एक फॉर्मूला गिवन है और कहा गया कि इसमें एरर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो यहां पे लिख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो क्या क्या इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम अगर क्या करें, एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एरर को अगर हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में देखें तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक इस तरीके का एरर दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एरर में, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हमें कह रहा है कि इसमें इस टाइप इसमें कितने एरर होने की संभावना है, तो इसमें लगभग लिमिटिंग एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लिमिटिंग एरर्स अगर मैं देखूं तो इसमें हो सकता है क्या, डेल जेड, ठीक है, इसमें इस तरीके से हम लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस डेल वाई। तो ये इसका जो हो जाएगा लिमिटिंग एरर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आप चाहे इसमें प्लस माइनस लगा सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एरर निकालना है तो प्लस आ जाएगा और मिनिमम एरर निकालना है तो माइनस आ जाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास ये तो क्या हो गया, एडिशन के लिए हो गया, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। अगर आपसे कोई भी एक रिलेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है जो कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन में है, तो उसका एरर कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपके पास एक एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है सपोज। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे एरर निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक टाइप से, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैं सबसे पहले x का करता हूं तो डेल x और y मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, ओके, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फिर x ऐसी रहेगा और डेल y का हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं क्या करूं कि ये जो है पूरा टर्म इसको आपस में डिवाइड कर देता हूं, इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेता हूं। तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन वन। तो मुझे इसके साथ में क्या चाहिए, रिलेटिव फ्रैक्शन चाहिए ना, तो रिलेटिव फ्रैक्शन निकालेंगे तभी तो हमें एरर पता चलेगा, परसेंटेज एरर कितना है। तो रिलेटिव फ्रैक्शन हम यहां पे निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स डॉट वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स डेल वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये जो है ये क्या है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स डॉट वाई अपॉन एक्स वाई एंड प्लस एक्स डेल वाई अपॉन एक्स वाई, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पे हम क्या करें, जो टर्म कैंसिल हो रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो हमें जो रिलेटिव फ्रैक्शन मिला वो क्या मिला, तो ये मिल जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस डेल वाई ओवर वाई। मैंने प्लस माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था प्लस, और अगर डिवीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, इस तरीके से इसका क्या निकल जाएगा, एरर निकल जाएगा। डन। अब हम अगर देखें इसमें, तो अगर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन इस तरीके का दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m, ठीक है, तो इसका हम एरर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग z इज इक्वल टू m log x, ओके, m log x। तो ये मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हम कर लेते हैं, तो 1 अपॉन z, और यहाँ पे इसका मिलेगा डेल z, ओके। इसको m को बाहर निकालेंगे और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, और इसका हो जाएगा डेल x। डन। तो ये मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, रिलेटिव फ्रैक्शन मिल जाएगा डेल z ओवर z इज इक्वल टू m डेल x ओवर x। तो ये इसका क्या आ गया, एरर निकल के आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेन क्या है समझना, देखो कॉन्सेप्ट यहां पर चीजों को रटना नहीं है, फिजिक्स को आपको केवल समझना है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका जो आधा पेपर है आप समझ कर ही उसको कर सकते हो, ठीक है। वरना क्या होता है कि लोग रट कर जाते हैं और रटी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए और वहां पर अप्लाई कीजिए तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे आप। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे उठा लेते हैं और वहां से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है एनर्जी में, तो कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल के ओवर के, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसको सब करना है, तो मैं आपको सीधे रिलेटिव फ्रैक्शन लिख के बता रहा हूं कि आपको इतना ही करना है, ठीक है। ये हाफ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जितना स्क्वायर होगा उसको आपको क्या कर देना है, आगे लगा देना है, और ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, तो ये प्लस में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो एम है तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एम ओवर एम, ठीक है। अगर मास में कोई चेंज हो रहा है तो मास में अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे प्लस माइनस, जो भी आप ले रहे हैं, मैक्सिमम एरर निकालना है प्लस, मिनिमम एरर निकालना है माइनस, और 2 आ रहा है तो 2, और यहां पे हो जाएगा डेल वी ओवर वी। तो ये तरीका हो गया। अब यहां पे परसेंटेज अगर एरर कहा गया आपसे तो क्या करेंगे, तो ये जाएगा डेल के ओवर के इंटू 100 इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा डेल एम ओवर एम इंटू 100 प्लस माइनस 2 डेल वी ओवर वी इंटू 100। तो ये तरीका होता है परसेंटेज एरर निकालने का किसी भी फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला आप उठा लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, आप कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हैं और उसको उसका अगर आपको एरर फाइंड करना है तो आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये बारीकियां फिजिक्स की समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो पाए, और आपको आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।